रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम अपना एडिशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम अपना एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन जो है वो कर चुके हैं। अब हम आज डिवीजन करेंगे। एक्सरसाइज 4.4 है, ठीक है। चैप्टर नंबर हमारा 4 है और क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 8 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें इसके अंदर जो है ये 3 हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसके अंदर से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। अब फर्स्ट वाला आप देखें, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है 5x² - 16xy + 3y² / x - 3y, ठीक है। इसका बहुत आसान तरीका बताऊंगी सॉल्व करने का आपको। देखें, हमारे पास जो डिवाइडेंड है, ज़ाहिर है उसको हम अंदर रखेंगे और जो हमारे पास डिवाइज़र है उसको हम बाहर रखेंगे, जो कि डिवाइज़र हमारे पास है x - 3y। अब आपने इसका एक रफ वर्क बनाना है। रफ अभी जब ज़ाहिर है बेसिक है, जब आप इसको रफ वर्क के ज़रिए करेंगे इंशाल्लाह फिर आपको डायरेक्ट करना भी आ जाएगा। चैनल पर जितने भी हैं टीचर्स, उन्होंने कहा डायरेक्ट रखना बताया, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, नहीं करना आता। मैं आपको बहुत आसान तरीका लेकर आई हूँ आपके लिए और इसी तरीके से आप करें। देखें, आपके पास फर्स्ट, देखें यहाँ से आपने पहले फर्स्ट टर्म उठा लेनी है। ये आपके पास है 5x² उठा लिया, डिवाइडेड बाय, अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ से इसका 1 वेरिएबल उठाना है, 1x, इसका भी एक x उठाना है। अब आप इसे कट कर दें, कटिंग कर दें, ठीक है। हमारे पास ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर x² है और यहाँ पे x है, तो क्या चीज़ कट रही है, सिर्फ यहाँ से x कट रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x बच जाएगा। ये जो चीज़ बचेगी ना आपकी, ये आपने ऊपर आंसर में लिख देनी है 5x। सेम यही चीज़ आपने 5x उठाया और ये जो हमारे पास डिवाइज़र दिया गया है, इसे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। बस सिर्फ आपने ये चीज़ याद रखनी है और जितने भी आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे, जो भी स्टेप आप अटैम्प्ट करेंगे, आपने ये आपको ये समझ आ गया तो आपको इंशाल्लाह सब समझ आ जाएगा। किया क्या हमने, फर्स्ट टर्म उठाया 5x² डिवाइडेड बाई x, इसका 1 लिया, x डिवाइजर का x उठाया, इसको इसे कट कर दिया, जो बचा वो हमारे पास आंसर में लिख देना है ऊपर। वही चीज़ लेनी है जो हमारे पास 5x आया, इस 5x को आपने इस डिवाइडर से जो है मल्टीप्लाई कर देना है, सही है। अच्छा, अब हमने मल्टीप्लाई करना है, 5x से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 5x², 5 को प्लस माइनस, माइनस साइन का खास ख्याल रखें, 5 × 3 = 15 और x और y, इसके पास x है और इसके पास y, ये मल्टीप्लाई करना आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है जी स्टूडेंट। अब हमने इसके अकॉर्डिंग जो है अपने इसमें सेट करना है। देखिए, पहला वाला 5x² पहला वाला, तो ये हो जाएगा 5x², ठीक है। सेकेंड वाला देखें स्टूडेंट्स, आपके पास क्या है, सेकेंड वाला आपके पास है माइनस का 15xy, ठीक है। ये देखें, ये 16xy, यहाँ आ जाएगा माइनस का 15xy, अकॉर्डिंग टू वेरिएबल आपने सेट करना है, ठीक है। अब ये देखें, अब ये हमारे पास प्लस है ना, तो ये यहाँ हो जाएगा माइनस, ये माइनस है और ये प्लस, ये वाली साइन जो है ये ख़त्म हो जाएगी, अब इसका रिलेशन नहीं है। अब ऊपर वाले जो प्लस का रिलेशन इस माइनस के साथ है, इसका मतलब इसके पास माइनस साइन है और इसके पास प्लस साइन है, प्लस वाला इस माइनस से कैंसिल हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें, हमारे पास अब ये है माइनस और ये है प्लस, क्योंकि 15 के पास माइनस नहीं है, अब प्लस हो गया है, तो माइनस प्लस माइनस 16 में से 15 को माइनस करें तो 1 बचेगा, 1x 1 लिखते नहीं, साइन किसकी आएगी, दोनों में से बढ़ेगी, बड़ा कौन सा है, 16 है या 15, 16 के पास कौन सी साइन लगी है, माइनस की, देन माइनस, ठीक है। अब हमारे पास ये ऊपर वाला बचा, ये है 3xy², अब हमारे पास ये डिवाइज़र डिवाइडेंड हो गया है और ये डिवाइज़र है जो इसका रिमाइंडर बचा है, ठीक है। अब देन अब इसको रख कर सॉल्व करेंगे, ऊपर की कहानी यहाँ स्टॉप हो गई, अब इसको देख करेंगे। इनका फर्स्ट वाला उठा लें, ये है -xy, सेम एज इट इज जैसे हमने ऊपर किया, इसका x उठा लिया, x से x कैंसिल हो गया तो बचा माइनस का y, यही माइनस का y लिया और इसको मैंने इधर ऊपर ऐसे यहाँ रख दिया, ये आंसर में हो गया। अब ये माइनस का y ही लेंगे और इस पूरे डिवाइज़र से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखें ऐसे x को y से कीजिए तो माइनस का xy और ये माइनस माइनस प्लस 3y² ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का xy और ये हो जाएगा प्लस का 3y², अकॉर्डिंग टू वेरिएबल आपने इसको पुट करना है, ठीक है, अरेंज करना है। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस। अब देखें बच्चे क्या करते हैं, काटते पे इसी से ही हैं, लेकिन देखें जब आपने साइन चेंज कर दी तो फिर यहाँ से इसकी कहानी ख़त्म हो जाएगी, ये साइन नहीं है अभी, ये वाला माइनस इस प्लस से कैंसिल, ये वाला प्लस इस माइनस से कैंसिल, तो रिमाइंडर इज़ 0, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आंसर हमारे पास क्या है इसका, 5x - 1, तो आप यहाँ लिख दें हमारे पास रिमाइंडर जो है वो हमारे पास क्या आया है,
मंडर इज ज़ीरो। ठीक है, चले नेक्स्ट करते हैं सेम एज इट इज़। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, डिवाइज़र हमारे पास ये है एंड डिवाइज़र एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन एंड डिवाइडेंड है एक्स क्यूब माइनस नाइनटीन एक्स माइनस का थर्टी। एक्स क्यूब माइनस नाइनटीन एक्स माइनस का थर्टी और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स एंड माइनस का टेन। ठीक है स्टूडेंट्स, तीनों क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह ताकि सही से कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपका, ताकि आगे से प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एक्स क्यूब यहाँ से एक्स स्क्वायर लिया, इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ क्यूब था यहाँ स्क्वायर था, सिंपल वन एक्स बचा, ये आपने ऐसे ऊपर आंसर में लिख दिया। इसी एक्स को लिया और ये पूरे ब्रैकेट से जो हमारा डिवाइज़र दिया गया था उसे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स को एक्स से कीजिए तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का टेन एक्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स आपने इसकी पुटिंग करनी है। पहला वाला कैंसिल हो गया है, सेकंड वाला देखें आपके पास ये एक्स स्क्वायर है और ये टेन एक्स है, तो टेन एक्स वाला एक्स के नीचे आ जाएगा माइनस का टेन एक्स, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ स्क्वायर का कोई भी नहीं है तो इसको हम अलग करके ऐसे साइड पर लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अच्छा, अब ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस नाइनटीन में से टेन माइनस कीजिए तो नाइन बचेगा, साइन आएगी बड़े की, बड़ा क्या है दोनों में से नाइनटीन और नाइनटीन के पास कौन सी साइन लगी है माइनस की, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का नाइन एक्स और ये माइनस का थर्टी हमने उतार लिया। ऊपर वाला जो है उसकी स्टोरी ख़त्म, अब हम इसको देखेंगे और इसको देखेंगे सेम एज इट इज़। जैसे हमने ऊपर किया इसको रही हम लेंगे थ्री एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल तो थ्री बचेगा हमारे पास। ठीक है, ये प्लस थ्री हमने इसे आंसर में लिख दिया। अब इसी प्लस थ्री को लिया और इस पूरे ब्रैकेट से जो हमारे पास बाहर डिवाइज़र दिया गया है इसे आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे थ्री है तो एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री थ्री ज़ा नाइन एक्स और प्लस माइनस माइनस थ्री टेन ज़ा थर्टी। देखिए सेम आंसर आ गया, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस का थर्टी, ये प्लस था ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है प्लस। देखिए अब ये वाली साइन जो है ख़त्म हो जाएगी जो ऊपर ऊपर की। अब इस माइनस का रिलेशन इस प्लस से है, माइनस वाला प्लस कैंसिल हो गया, ये माइनस वाला इस प्लस नाइन एक्स से कैंसिल हो गया, प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सेम यहाँ पर भी रिमाइंडर जो है वो क्या बचा, ज़ीरो। ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन है वो भी हम कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सेम वैसे ही होगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर वन एंड टू किया। हमारे पास देखें ए फोर माइनस थ्री ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का बी फोर है और ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस का ए बी एंड माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखें, अब आपने क्या किया यहाँ पर ए फोर लिया इसका और इसका ले लिया आपने ए स्क्वायर। ठीक है, ए फोर ए टू से ए टू कैंसिल तो बचेगा ए स्क्वायर, जो ए स्क्वायर बचेगा वो आपने इसे आंसर में इधर लिख लिया। सेम एज इट इज़ यही ए स्क्वायर लिया है आपने और पूरे डिवाइज़र से इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ये थोड़ा सा करने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा लेकिन इंशाल्लाह जब आप करेंगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ये हो जाएगा ए थ्री बी लेकिन होगा किसका, माइनस का। ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर एंड देन बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये डिवाइज़र आपने पूरा उतारना था अगर यहाँ पर ए स्क्वायर भी आना था। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको एक काम करती हूँ ऐसे रिमूव कर देती हूँ और ये इसको ब्रैकेट यहाँ लगा देते हैं और ए स्क्वायर इधर कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा है ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ए से ए हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए फोर और ए से हो जाएगा ए बी से तो ये हो जाएगा ए क्यूब बी। ठीक है, अब इसको हम इसका अंडर पुट कर देते हैं। हमारा फर्स्ट वाला है देखें ए फोर और ये है स्टूडेंट हमारे पास माइनस का ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, ये बिल्कुल हट कर आया है तो उसको अलग लिख लेंगे माइनस का ए थ्री एंड बी। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस प्लस देखें प्लस वाला माइनस से कैंसिल, ये माइनस है यहाँ प्लस कर देंगे और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर हम प्लस ले आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स ए थ्री बी प्लस माइनस माइनस थ्री में से वन गया टू बचा, साइन किसकी आएगी बड़े की, दोनों में से बड़ा कौन सा है थ्री, थ्री के पास कौन सी साइन लगी है माइनस की, तो आ जाएगा माइनस का टू ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड लास्ट वाला ये ऊपर बी फोर ऐसे ही आ जाएगा। अब ऊपर वाले को ख़त्म कर देंगे, अब इसको देखेंगे। इसका फर्स्ट ले लें आप, फर्स्ट क्या है आपके पास ए क्यूब बी और इसके पास है ए का स्क्वायर,
ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो उसके पास ए थ्री था तो ये एक बच गया ए एंड बी, ये प्लस का ए एंड बी हम ले लेंगे ऐसे ऊपर, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी ए बी को लेंगे और इस पूरी ब्रैकेट से ध्यान से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले ए स्क्वायर लिखना मैं भूल गई थी, ए स्क्वायर माइनस का ए बी एंड माइनस का बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा ए क्यूब बी माइनस ए ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी क्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से है, अब हमने क्या किया यहाँ पर देखें, फर्स्ट वाला हमारे पास आया है ए क्यूब बी, यहाँ रखा स्क्वायर वाला माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर रखा, ये थोड़ा सा हटकर है, इसको अलग लिख लेंगे क्योंकि इस तरह का कोई वेरिएबल ऊपर वाले में दिया गया नहीं है। अच्छा जी, ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है तो उसको प्लस कर देंगे और ये माइनस है तो उसको भी हम प्लस कर देंगे, ठीक है। प्लस माइनस माइनस टू में से वन गया तो वन बचेगा, साइन आएगी बढ़ेगी, टू बढ़ा है, टू के पास माइनस लगा था इसलिए माइनस लगाया है। अब सेम एज इट इज़ ये नीचे उतार लें आप, हमारे पास यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, ए प्लस का ए बी थ्री और ये वाला हमारे पास जो बी फोर था इसको भी हमने इधर उतार लिया। अब इसको देखेंगे सेम जैसे हम दोनों स्टेप में किया। अच्छा, ये हमारे पास माइनस का ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर है और यहाँ पे हमारे पास का ए स्क्वायर है, ठीक है। ये स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल तो बच जाएगा माइनस का बी स्क्वायर, सेम ही माइनस का बी स्क्वायर हम यहाँ उतार लेंगे। इसी माइनस का बी स्क्वायर लेंगे और इस पूरी ब्रैकेट से हम जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस का ए बी और माइनस का बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करें माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी क्यूब प्लस माइनस माइनस का माइनस माइनस प्लस प्लस का बी फोर, देखें आ गया सेम ए स्क्वायर, ठीक है। ये देखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का ए बी थ्री एंड प्लस का बी फोर, ठीक है। ये माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस कर देंगे। याद रखें ऊपर वाली जो साइन होगी ना जो आप चेंज करेंगे, सेम जैसे आपने वर्टिकल तरीके से सब्ट्रैक्शन किया था सेम उसी तरीके से आपने इसको देखना होता है। ये वाला माइनस वाला इस प्लस से कैंसिल, ये प्लस वाला इस माइनस से कैंसिल और ये प्लस वाला इस माइनस से कैंसिल, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आया रिमाइंडर ज़ीरो, ठीक है जी। स्टूडेंट्स हमने जो है आपको डिवीजन सिखा दिया है, इसके कुछ सवाल हमारे दो रह गए हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई दिया जाएगा। मिलते हैं जब तक नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।